स्मृति ईरानी, मोदी सरकार खबरों में रहा है लेकिन गलत कारणों से, उपलब्धियों से नहीं, कामों से नहीं। कि लोगों को इतना समझ है कि स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियां बहुत बिकती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है। मुझे लगता है कि जहाँ पे गरीब परिवार में जन्मी दलित लड़की, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। आज भी देश में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती। एक महाशय ने मुझ पर एक आरोप मढ़ा पर मेरी बड़ी खिल्ली उड़ी। राहुल गांधी का नाम आपने 8 बार लिया, पाप है कोई? नहीं, समझा, अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे आपने अमेठी का हिसाब चुकाने का तय किया था। चलो भाई। दोस्तों, रजत शर्मा भी कभी कभी कमाल कर देते हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं से तीखे सवाल पूछने लग जाते हैं। आप ये इंटरव्यू ही देख लीजिए जिसमें सवाल पूछे गए तो स्मृति ईरानी कैसे बौखलाने लगी। आपका मंत्रालय खबरों में रहा है लेकिन गलत कारणों से, उपलब्धियों से नहीं, कामों से नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि स्मृति ईरानी ने कभी वर्दी पहनकर मैं हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हाँ ये सत्य है कि स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियां बहुत बिकती हैं। अब वो स्मृति ईरानी का कथन नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाना चाहिए था उसको। मैंने कहा रजत जी, ना मैं हवलदार हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, ना मैं जूरी हूँ, ना मैं जज हूँ, तो जो केस मैंने रचा नहीं, जिसको गढ़ने में मेरा कोई योगदान नहीं रहा, उसके बारे में आप मुझे अपने कटघरे में खड़ा करें, ये भी अपने आप में एक नाइंसाफ। मैं नहीं कटघरे खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ ऐसा है कि इसका जवाब मैं नहीं बोलती है सकती। मुझे लगता है कि आज अगर उस विषय पर कोई सबसे बड़ा प्रमाण हो तो वो ये, मैंने प्रमाण हर वक्तव्य का मैं प्रस्तुत किया। ये अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने जो प्रमाण, जो तथ्य राष्ट्र के सामने रखे, उन प्रमाणों में वो सच्चाई थी जो मेरे में जनता को सुनाई दी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ जी, तो गोदी एंकर्स को भी ये पता है कि स्मृति ईरानी का मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ खबर बनाने में रहा है, वो भी गलत कामों से, उपलब्धि से नहीं। इस पर स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो गई कि हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और जहां तक स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियां बिकने की बात है तो ये भी गलत कामों से ही होता रहा है या राहुल गांधी के नाम से होता रहा है, क्योंकि ये राहुल गांधी के बगैर कुछ भी नहीं थी और ना आज है। और कोई भी मामला हो उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को घसीटे बगैर इसकी राजनीति होती ही नहीं। लेकिन अब सदमे में है बेचारी। अमेठी वालों ने और कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताइए, इस देश के साथ साथ इनके अपने गोदी मीडिया भी इस पर खूब मजे ले रहे हैं। और ना मैं जूरी हूँ और ना मैं जज हूँ, तो फिर बात बात पर राहुल गांधी जिम्मेदार क्यों? बात बात पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार क्यों? उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है, आप और आपकी सरकार छात्र विरोधी है। मुझे लगता है कि एक ऐसा केस जो इस वक्त केरला में दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस सरकार में है, उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। आप जिसमें का जिक्र कर रही हैं, जिस राहुल गांधी का नाम आपने 8 बार लिया, पाप है कोई? और कहे तो मैं आपको पूरे उदाहरण बता सकता हूँ आपने क्या क्या। मुझे ये बताइए, उनका नाम लेना कोई संवैधानिक अपराध है क्या? नहीं, संवैधानिक अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे आपने अमेठी का हिसाब चुकाने का तय किया था। नहीं, मैं तो सवालों का जवाब दे रही थी जो उन्होंने राष्ट्र के सामने खड़े किए। तो जी, भाजपा दलित विरोधी है, छात्र विरोधी है, ये कोई नई बात नहीं है। आप आज भी देखेंगे तो कैसे ये लोग दलित का आरक्षण खत्म करने और छात्रों को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। पर ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, सिर्फ राहुल गांधी की बात करेंगे। और जब शर्मा जी ने राहुल नामा पर इससे सवाल कर दिया तो कैसे बौखला गई स्मृति ईरानी कि नाम लेना पाप है क्या? तो पाप तो नहीं है, पर इससे ये साबित जरूर होता है कि स्मृति ईरानी की राजनीति राहुल गांधी के बदौलत है, नहीं तो ये ना कभी कुछ थी और ना आज उनके बगैर कुछ है। अब आप ये कहें कि मुझे अधिकार नहीं है जवाब देने का, ये कहां तक उचित है? नहीं, आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है जवाब देने का। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ, तो की उन्होंने। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।